दोस्तों नमस्कार, एनबीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनबीसी न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में हम अपने स्टूडियो में हर समय एक ऐसी पर्सनालिटी को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारे सिटी का बल्कि हमारे देश का नाम रोशन किया है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने अपने स्टूडियो में खास तौर पर हमारे नागपुर शहर की आन बान और शान ऐसी तीन पर्सनालिटी को एक मंच पर यहाँ पर उपस्थित किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं बीटीपी ग्रुप के चेयरमैन सिराज शेख सर। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इनकी दूरदृष्टि और मार्गदर्शन की बदौलत आज इन्होंने बुलंदियों को, कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। आज इनकी ही बदौलत ये अपने सभी कर्मचारियों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हमारी दूसरी स्पेशल गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम रोशन किया है। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं मिसेस यूनिवर्स थर्ड रनर अप और मिसेस आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम विनर जोया सिराज शेख। जोया मैम, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसके अलावा हमारे यहाँ तीसरी गेस्ट जो उपस्थित हुई है वो इंटरनेशनल मेकअप सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं मेघा कपूर एमएसआर। मेघा जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, एक आम व्यक्ति से जब कोई व्यक्ति बहुत खास बन जाता है तो उसका सफर कैसा होता है, इस दौरान उसे किन किन परेशानियों को छूना पड़ता है, किन किन मुश्किलों से होकर निकलना पड़ता है, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सिराज सर आपसे। मैं जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं तो सिर्फ एक गाइडलाइन करने में मास्टर माहिर, गाइडलाइन करने में ही इंटरेस्ट लेता हूँ। अब मेरे सामने कोई भी व्यक्ति आया, किसी ने मुझे बताया कि मुझे कुछ करना है, ये बनना है, तो वैसे हमारे पास आज जोए के लिए मेघा हमारे पास आई थी। मेघा बोले क्या, हम इन लोग को यहाँ यहाँ लेके जाते हैं, और मैं तो टैलेंट हम मेरे बीबी में कुट कुट के भरा था, तो मैं उनको बोला कि देखो आप भी जो टैलेंट है आपको दिखाना है, बाहर दिखाओ। तो इन्होंने एक मोहिनी मैम से मिला है कि भैया बल्गारिया में जाना है, इस टाइप का इवेंट है, तो फिर मैंने इनको अप्रोच दिया। पहले तो मुझे डाउट गया कि अब इवेंट नहीं जाना चाहिए, फैशन शो होगा, अलग अलग तरीके की रैंप पे चलना पड़ेगा, ये तो मैंने इसको अवॉइड किया कि ये अपना फैशन नहीं है, अपन को कोई हीरो हीरोइन नहीं बनना है, अपन डायरेक्टर है, अपने को मीडिया में इसमें मूवी बनाना है, पिक्चर बनाना है, गाने बनाना है, सोशल मीडिया पर जाना है, अपन वो काम करेंगे। तो फिर उन्होंने कन्विंस किया कि भैया एक आइडेंटिटी तो अपने को चाहिए, और ट्राई करने में क्या जाता। फिर मेरे दिमाग में आया चलो यार एक काम, घूम के आएंगे टूर, वैसे भी हमको टूर करने की ज़्यादा आदत थी, मतलब 80 लोग, बोले 80 से 100 लोग देश के लोग आ रहे हैं, मतलब 80 से 100 दोस्त देश के लोग आ रहे, तो मुलाकात तो होंगी इनसे, टाइम पास तो बिल्कुल एक साथ, अगर एक मंच पे सब लोग रहे इंडिया में घूमो और एक साथ 80 लोग एक मिल रहे तो मेरे को सीखने को मिलेगा। मैंने तुरंत इनको ओके किया, बोला चलो आप लोग। जब वहाँ पे हम गए तो डे वन में मैंने एक चीज देखा वहाँ के अंदर में, पहले इन लोग का गेट टूगेदर हुआ आपस में, एक में खुद एक्सचेंज किया। फिर मैंने जोया को बोला कि जोया देखो ये ऐसा है कि कई लोग ग्रुप बना के बैठेंगे इसके अंदर में, तो इंडिया है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया से भी 18 लोग थे। तो मैंने बोला कि नहीं, आपको सबसे मिलना है, अपने को रिलेशन बनाना है, अगर आप में हारने की ताकत है तो ये इवेंट को आप अच्छा करो, जीतने की अपेक्षा से मत करो, क्योंकि लेडीज को मैंने बहुत मोटिवेट होते हुए देखो कि जब कुछ हार जाती है तो रोना धोना, मैं तो अच्छी थी, मेरे साथ चीटिंग हुई, मेरे साथ ऐसा हुआ। मतलब देखो 80 में से या सॉरी 103 लोगों में से अगर तू आ गई तो किस्मत की बात है, टॉप 10 में भी आई तो बहुत है, टॉप 25 में भी आई तो बहुत है। ये इतना बनके इनको मैंने मोटिवेशन किया, फिर बाकी एक्टिविटीज इन्होंने अपनी चालू की। जोया मैम, आपने आज हमारे देश का जो है गौरव और भी बढ़ा दिया है, लेकिन आप नागपुर की बेटी हैं तो मैं चाहूंगी कि नागपुर वासियों के लिए आपका एक्सपीरियंस जो है वो सभी लोग जानना चाहते हैं कि कैसा रहा। हेलो नमस्ते, मैं जोया शेख, मिसेज यूनिवर्स थर्ड रनर अप एंड बेस्ट आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड विनर।
मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भारत की बेटी हूँ सबसे पहले, और नागपुर में मेरा सब कुछ यहाँ पे है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं ऐसा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी आप सभी के साथ में। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी जिस मंच पर मैं थी, बिकॉज़ वहाँ पे 100 से भी ऊपर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किए थे, बिकॉज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पे आए हुए थे, अलग अलग कंट्री से लोग थे, तो सबके साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब लोगों के साथ में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बिकॉज आप जब एक नए प्लेटफॉर्म पे जाते हो, जब आप एक नए स्टेज पर जाते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब पब्लिक में आप भिड़ते हो, पब्लिक के सामने जब आप आते हो, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस जागता है, आपको समझ में आता है कि आपको किसके सामने क्या करना है, किसके सामने कैसे रहना है। हम जहाँ भी जाएंगे, हम किसी भी कंट्री में जाए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहे, आप जब आप चार लोगों से मिलोगे, तो आपका एक लेवल आपको लगेगा इससे मेरा एक लेवल आगे रहना चाहिए। तो बस मैंने भी हमेशा कोशिश किया है पेजेंट्री में कि मैं अपना लेवल एक आगे रखूँ, तो मिसेज यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म में भी मैंने अपना वो लेवल आगे रखा, और बस यही मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे लोगों के साथ में रहकर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने आप को प्रूफ करना है, कैसे एक स्टेज पर आगे आकर लोगों को दिखाना है कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं अगर कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मेरे अंदर अगर कॉन्फिडेंस है, तो मैं ये चीज कर सकती हूँ, और मैंने वहां पे वो कर दिखाया। जोया जी, मैं पूछना चाहूंगी कि आर्टिस्टिक नेशनल अवार्ड से आप सम्मानित हैं, तो क्या खास था उस कॉस्ट्यूम में? हाँ, मैं बिल्कुल ही बताना चाहूंगी। आपने देखा होगा कि मेरा जो आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम था, वो था वो सिंबल था हॉर्स का। आप जानते हैं कि पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग जो रहते थे, उन लोग हॉर्स को ज्यादा पसंद करते थे, बिकॉज सबको पता था कि हॉर्स एक बार अगर दौड़ना शुरू करता है तो रुकता नहीं है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, बहुत सारे हमारे महाराजा ऐसे हैं, राजा ऐसे हैं जो पुराने जमाने में, इतिहास आप देख लो, तो घोड़े का कहीं ना कहीं हर जगह जिक्र है। तो आपको मैं ये बताऊं कि मेरा जो कॉस्ट्यूम था उसमें एम्ब्रॉयडरी थी और जो कलर था, तो ये सिंबल है ब्यूटी और स्ट्रेंथ का। तो ऑफ कोर्स घोड़ा तो है, जो एक बार दौड़ेगा तो रुकेगा नहीं, तो मुझे तो पता था कि अगर मैं इस कॉस्ट्यूम में आज अगर मैं यहाँ पे अगर अपना बेस्ट दे रही हूँ, तो बस मेरे हस्बैंड को ये लगा कि आज तो मेरा घोड़ा दौड़ गया, तो उनको वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि शायद ये नेशनल कॉस्ट्यूम हम ही विन करके लाएंगे। तो बस बहुत अच्छी बात है। नेशनल कॉस्ट्यूम के बारे में हमारे दर्शक बहुत बार जानना चाह रहे थे कि आज हमें नेशनल आर्टिस्टिक कॉस्ट्यूम अवार्ड का मिला है, तो ये अवार्ड जो है वो किस बेस पे मिला था? तीसरे गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं मेघा कपूर मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब तक तो आपका नेशनल का इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट थी, लेकिन एक बार फिर इतने बड़े मंच पर जाकर वहां पर इतने टाइप के लोग थे जिनकी ऑलरेडी जो स्किन है वो हम इंडियन से बहुत अलग थी, तो ऐसे में आपने कैसे कम्पीट किया है? नमस्कार, मेरा नाम मेघा कपूर अमीसर है। जैसे कि आपका सवाल है कि इतनी सारी स्किन थी, टास्क बहुत तगड़ा था, क्योंकि मेकअप जो होता है ये बहुत अहम भूमिका निभाता है, एक आपका ड्रेस कॉस्ट्यूम और एक आपका मेकअप। हम कितने भी ब्यूटीफुल हैं, कितने भी हमारा फेस अच्छा है, अगर हमारा मेकअप कहीं ना कहीं आधा अधूरा है, तो जितनी तैयारियां हमने की हैं उन सब पे पानी फिर जाता है। एग्जैक्टली तो ये जो मेकअप पार्ट था, अदर जो कंट्री के लोग आए थे, वन समथिंग कंट्रियां थी, इट्स नॉट ईजी, मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि हर कंट्री की जो बंदी थी उनके नए नक्शे कलर सभी के इवन टोन फेयर 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 फेयर, यानी हर तरह की स्किन मुझे देखने मिली। तो मैंने सोचा कि शायद 27 साल का जो अनुभव मेरा है, उस चीज को अगर मुझे, उस मेरी पढ़ाई को अगर मुझे आज स्टेज पे लाना है, तो इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता। ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था? कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, क्योंकि जोया दी हमेशा बोलती थी, सना हमेशा बोलती है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, और सिराज भाई मुझे एक ही बात हमेशा समझाते हैं, यू कैन डू इट, आप कर सकती हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिराज सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जोया मैडम में ये टैलेंट पहले से था या फिर आप उसे मोटिवेट करते थे? बिकॉज हमने कई बार सुना है आपको बोलते हुए कि जोया देखो, हर इंसान घर में या चार लोगों में, परिवार में जब बैठता है तो अपने आप को हमेशा अच्छा प्रेटेंड करने की कोशिश करता है, हम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी है आप चार लोगों में मत रखो, बल्कि अपना जो लेवल है उसको बाहर दिखाओ, कितनी सच है ये बात? आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं इतना बिजी रहने के बाद भी
मेरे कैबिन में कोई आके फजूल की बातें करता है तो मेरे को सर बोर लगता है कि कब मेरे कैबिन से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समय खराब नहीं। जी, तो मैं जिससे टैलेंट की जो आप बात कर रहे हो तो मैं उन्हीं के साथ ज्यादा दोस्ती करता हूँ जिसमें टैलेंट खुद के भरा है। जी। तो जब मैं फर्स्ट डे मिला तब से इनकी बॉडी में टैलेंट है, वो टैलेंट अलग अलग प्रकार के इवेंटों में गया है, अभी लास्ट में बल्गारिया भी चले गया। जी। तो ये ऐसी बंदी है, इसको सिर्फ एक बार बताने के लिए इशारे पे आपको पसंद है, या फिर वो मुझे बोली कि मुझे ये चीज पसंद है, तो हम लोग एक मिनट के समिति से आपके डन, फिर दौड़ नाम चालू कर देते। तो मैंने ये ब्यूटीशियन टैलेंट या उसके और अलावा भी कोई टैलेंट उसको वो भी कर लेंगे, ये मेरे को उस पर पूरा भरोसा है। क्या बात है ज़ोया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि विदेशी चेहरों के सामने क्या आपने खुद को उनके बीच में थोड़ी कमी महसूस की है, या फिर आपका उनको देख के ऐसा डरे नहीं आप? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि देखो एज एन इंडियन वुमन मैं तो बिल्कुल, हाँ आपको पता है ये चीज कि इंडियन वुमन में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ऑफकोर्स जहाँ पे ब्यूटी की बात आती है तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि हम फॉरेनर के सामने अपने आप को ये कंपेयर करेंगे कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ या मैं सुंदर नहीं हूँ। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना हाई होता है कि हमको ब्राउन स्किन से कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे अंदर हमारा जो इनर सोल है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे लिए ये ब्यूटी का कोई वैल्यू ही नहीं होती है, कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ऑफकोर्स मुझे ऐसे कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई उन लोगों के सामने, मुझे ऐसा लगा कि नहीं आई एम ऑल्सो गुड, जैसे ये लोग हैं वैसे मैं हूँ। जो है हम बल्गारिया लेके गए, मुझे भी इवेंट है, हम लोग तीन लोग साथ में गए थे, एक मेगा कपूर और एक अपनी मोनी में जो इवेंट डायरेक्टर, हम तीनों ने भी अपना अच्छा रोल निभाया। हम लोगों ने, मैं जजेस का काम कर रहा था वहां बैठ के, मैं सबके चेहरे पर रहता था, मेरा कोई सेल्फी फोटो खींचने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, सेल्फी खींचने में मेकअप भी ये थी, जो मोहिनी मैम थी वो भी जैसे जैसा काम करती थी प्लस वो। तो मैंने जब डे वन में जब इनका गेट टुगेदर हुआ, इसने आके बताई तो गेट टुगेदर में मैं नहीं गया था, वहाँ मोहिनी मैम ने इनको स्ट्रिक्टली बोल दी थी कि देखो आपको ग्रुप बना के नहीं चलना है, हम इस देश में अगर 103 लोग आए तो 103 साल दोस्ती जितने लोगों से कर सकते उतने से करो, अच्छी बात है। तो ये जोया का बहुत प्लस पॉइंट था इस चीज के लिए। नेक्स्ट डे इनको उठा के घुमाए, थोड़ा जो भी है थोड़ी सी लैंग्वेज तो कहते ना, टूर करवाया, एक रेस्टोरेंट में छोड़ दिए, वहाँ पे इनको डांस पार्टी आपस में पूरी लड़कियां एक थी, तो वहाँ पे भी इनको जजेस कर रहे थे कि कौन निगेटिविटी हरकतें करता है, कौन पॉजिटिव करता, मतलब आफ्टर स्टेज भी इन्हें नोटिस किया गया। फर्स्ट डे स्टार्टिंग फर्स्ट डे देवन से बल्गारिया जाके इनको रैंप पे चलना है, नहीं 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 कुछ भी नहीं था, सिर्फ लास्ट डे रैंप पे था, लास्ट डे आखिर के दो से तीन मिनट मिला इनको, दो मिनट भी मैं आधा मिनट ही चल रहे होंगे, बाकी इवेंट जो हो रहे थे उनके उसमें पूरा जज कर, इनके एक डोमेस्टिक वॉल्यूम का हुआ जिसके अंदर पूरे सिर्फ 103 लड़कियां बैठी थी, तो जजेस बैठे थे, कोई जेंट्स अलाउड नहीं था, उनमें इनकी लाइफ की स्टोरी, ये इनके क्या इनके बॉडी में हॉबी है वो सब चीज बताया गया, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट। ज़ोया मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको लास्ट राउंड में एक टॉपिक दिया गया था डोमेस्टिक वायलेंस पर, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को चंद शब्दों में डोमेस्टिक वायलेंस पर कुछ बताएं। देखिए, जैसे मिसेज यूनिवर्स का हर साल का एक टास्क होता है, एक वायलेंस के ऊपर वो मतलब टॉपिक देते हैं, तो हम लोगों को इस साल डोमेस्टिक वायलेंस का मिला हुआ था। लास्ट टाइम भी डोमेस्टिक वायलेंस का ही उन्होंने एक टॉपिक लिया हुआ था, इस बार भी डोमेस्टिक वायलेंस का ही टॉपिक था। तो सब लोगों को एक टास्क मिला था कि आप अपनी स्टोरी बनाइए, या आपके साथ आपके लाइफ में कुछ हुआ है तो आप उसके बारे में बताइए, या आपकी फैमिली में किसी के साथ हुआ है तो आप उसके बारे में बताइए। तो मुझे जब मौका मिला तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना हम अपनी फैमिली को छोड़ते हुए, या देखो लाइफ में तो हर किसी के होता है, हर किसी के लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हर कोई एक ना एक बार जरूर हुआ होगा, पर मेरा ऐसा बोलना है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ये एक टॉपिक था कि सेल्फ डिफेंस, तो मैंने सेल्फ डिफेंस पे काम करना शुरू कर दिया। सेल्फ डिफेंस का मतलब होता है कि आप स्कूल में जाकर या अपने बच्चों को या घर पर या आजू बाजू आप जैसे लोगों को अवेयर करवाना चाहते हैं वैसे अवेयर करवाओ। तो मेरा ऐसा बोलना है कि सेल्फ डिफेंस हर लड़की ने सीखना चाहिए, हर माँ बाप ने अपने बच्चों को बचपन से ये तालीम देनी चाहिए, सीख देनी चाहिए कि आप अपने पैर पर इतने स्ट्रांग हो जाओ, आप खुद इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आपको जरूरत ही नहीं पड़े कि मम्मी मेरे साथ में इसने ऐसा किया, पापा मेरे साथ में इसने ऐसा किया। अपनी बेटी को अपने बेटे को दोनों को स्ट्रांग बनाओ, सिर्फ बात सिर्फ बेटे की नहीं है, बात बेटी की भी है और बेटी की नहीं, सिर्फ बात बेटे की भी है, तो दोनों को इक्वली देखो। और मेरा बोलना है कि अपनी बेटी को बचपन से ये चीजें सिखाओ कि आप अपने पैर पर स्टैंड हो, आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है, आपके लाइफ में अगर कभी कुछ कम ज्यादा होता है तो आपने अकेले लड़ना है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी अपनी माँ की बेटी हूँ, तो मैंने बचपन से ये चीजें सीखी है,
मैंने हमेशा अपने आप को एक लेवल पे स्टैंड किया है और मैंने हमेशा कोशिश किया है कि जैसे मैं हूँ, मैंने भी सेल्फ डिफेंस सीखा हुआ है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी सेल्फ डिफेंस सीखे और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे, उसको कभी मम्मी पापा की जरूरत ना पड़े। तो बस मैंने यही मैसेज दिया है डोमेस्टिक वायलेंस में कि आप हर चीज अपनी जगह पे ठीक है, कि हर कोई शिकार हो रहा है, हर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहा है, मेन भी होते हैं औरतें भी होती है, यू नो मेन और वुमन दोनों भी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं। तो मैंने मेरा जो टॉपिक था वो था कि सेल्फ डिफेंस, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये काम हमेशा करूं और मैं लोगों को सेल्फ डिफेंस के जरिए, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस नहीं दे पाते, लेकिन मेरी ये एक कोशिश रहेगी कि मैं स्कूल्स में जाकर सेल्फ डिफेंस का काम दे सकूं। मेरे साथ में जिन्होंने मेरी हेल्प किया था वो थे मिस्टर कुलदीप, ऑरा फिटनेस के ओनर, उन्होंने मुझे इसमें बहुत हेल्प किया था, उन्होंने मेरे साथ में सेल्फ डिफेंस का ये प्रोग्राम कंडक्ट किया और साथ में उन्होंने हर जगह स्कूल में मेरे साथ में ये शो किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे लेवल पे आऊँ और ऐसे मंच पर आकर लोगों को मैं इसके लिए जागरूक करूँ कि हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रिपेयर करवाना चाहिए। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि और भी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो आज हमारा ये जो इंटरव्यू है वो देख रही हैं, तो ऐसी हाउसवाइफ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक सफल महिला के पीछे आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो ऐसे में बहुत सी घरेलू महिलाएं हैं जिनमें टैलेंट जो है वो कूट कूट कर भरा है, इसके बावजूद जरूरत है उन्हें बाहर आने की, तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो आपको एक मैसेज दूंगा, आप हम तो यंग है जी, हम तो चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो दोनों 50-50 बराबर है, वो तो काम करें, लेकिन हम जिस इवेंट में गए थे बल्गारिया जी, उसकी जो इवेंट डायरेक्टर थी वो 65 साल की थी, क्या बात है, और इतनी एजेड लेडी थी वो, एकदम जिस टाइप से धगड़ के काम करी, कैमरा मैन इधर लगाओ, स्टेज इधर लगाओ, वो ऐसा करो, किसने भी रूल को लगे तो डांट देती थी। तो मैं काफी लोग, जैसे मेरे अलावा कम से कम वहाँ पे 60-70 लोगों के हस्बैंड और भी आए थे, कोई वो इवेंट डायरेक्टर को पास पास में जा रहा, कोई लेडी को बोलता नमस्कार हेलो सलाम, मैं मिले ही नहीं, मैं डेवन से नहीं मिला, सिर्फ वॉच कर रहा था ये कैसे काम करते, क्योंकि जो इवेंट हम लोग करते, मैं भी अपने लाइफ में आज मुझे भी 27 साल का एक्सपीरियंस है इवेंट करते करते, तो मैंने नहीं इनको डिस्टर्ब करना बोलो तो चिढ़ाना वाली बात है, मैं मिले नहीं। जब लास्ट डे में इवेंट खत्म हुआ तो जो ये विनर बनी, जो मेरे इवेंट डायरेक्टर, उनके हस्बैंड आए वो दिखे नहीं, बोले वो डायरेक्टर मुझे बोलता मतलब सामने सामने खड़े बोले, तो फिर जब मैं जाके इनके साथ फोटो किया, हाथ वगैरह मिलाया, पर डे वन से मैंने उनको डिसिप्लिन नहीं किया, पर वो लेडी से मेरे को बहुत काफी सीखने मिली, उसका मैगी नाम था और वो बहुत टैलेंटेड बंदी थी, लोग उसको बोलते थे चिड़चिड़ी है, वो ऐसा है, वो डांटती है, मुझे समझता है कि एक काम करने वाले को आप एक 103 लोग लेडी और उनके 70-200 लोग उसको जाके डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली डिस्टर्ब होंगे, पर उसका जो मैनेजमेंट था, उसका काम करने का तरीका था बहुत अच्छा था। लास्ट के दिन उन्होंने क्या किया, ना कोई मेकअप आर्टिस्ट ना किसी बंदे, किसी को अलाउड नहीं किए फ्लोर पे, इनको 4 घंटे पहले फ्लोर पे छोड़ दिए, यानी बैक स्टेज के पीछे, तो वहां पे हम कैसा जोए का मेकअप करेंगे, ये लोग अपने हाथ से बोल रहे किसी को जम नहीं रहा, फिर वॉशरूम के बहाने मेगा गई और 15 मिनट के अंदर में उसका मेकअप करके बाहर आ गई। जब फिर टॉप 25 में जो 25 लोग एक डेस्क पे लाइन से खड़े किए गए, तो मेरे बाजू मोहिनी मैम बैठी थी, मैं उनको बोला मोहिनी जी मुझे बताइए मेगा ने मेकअप इनका अच्छा करी कि बुरा करी, पूरे 25 में अलग ही चमक रही है, ऐसा बात क्या है? सिराज जी बोले ये नेचुरल मेकअप है, बोले आपको मेकअप की जानकारी है तो नहीं है मुझे नहीं पता, पर ये नेचुरल मेकअप है और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। तो मैं बोला बाकी लोगों को मेकअप साथ करने को अपने हाथ से मिला, कोई जैसे क्यों आज वो डर के मारे को इधर कर रहा, कोई इधर कर रहा, कोई इधर कर रहा, तो आज जोया को विन मनाने में मेरे सबसे मेगा का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है मेगा जी, इतने आपका दिया हुआ टच जोया जी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, क्या बाकी मेकअप आर्टिस्ट को देख के आपको ऐसा लगा था? बाकी मेकअप आर्टिस्ट को पता है जब मैं मेकअप रूम में गई ना तो मुझे जब इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट मैंने वहां देखी जी, तो मुझे ऐसे लगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये तो इतना सारा सामान लेके आए, इतनी मशीनें लेके आए हैं और मैं भी अपना वैनिटी अपने हिसाब से लेके गई थी, पर मुझे दीदी ने, जोया दीदी ने एक ही बात बोली, मेघा दीदी हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम हमारी जगह अलग से छोटी से हम टेबल लेके वहां बैठे, यहाँ सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट बैठे थे, मैं अकेली इंडियन अकेली
जोया दीदी को लेके एक कॉर्नर में टेबल लेके वहां पे मेकअप देने बैठ गई थी। तो मैंने सोचा शायद इनका मेकअप कुछ अलग होगा। लोग बोलते हैं ना इंटरनेशनल आर्टिस्ट, इंटरनेशनल आर्टिस्ट, इंटरनेशनल डिग्री मैं लेके आई हूँ, पर सच बात बताऊ मुझे अपने आप पे बहुत गर्व है कि मैं इंडियन आर्टिस्ट हूँ। क्या बात है, मुझे वहां बहुत फक्र महसूस हुआ कि मैं इंडिया से हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तान से मैं बल्गारिया में मिसेस, मुझे नहीं पता था वो क्राउन हमारे पास ही आएगा, पर मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं मिसेस यूनिवर्स को मेकअप देने आई हूँ। मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मेगा जैसा कर सकती है, जो कर सकती है, बस दिल से कर, दिमाग का इस्तेमाल मत करना। क्या बात है। और मेगा जी, मैं जानना चाहूंगी कि जब आपने मेकअप किया, फाइनल राउंड हो या फिर डे वन से ही हो, तो ऐसे सिचुएशन में जोया जी की प्रतिक्रिया क्या थी आपके प्रति? मतलब जोया जी ने कभी ऐसा फ्रस्ट्रेटेड हुए कि क्या यार मेघा क्या कर दिया, मतलब ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? प्रतिक्रिया क्या थी उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को आईने में देखकर? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमारा बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त, ऊपर वाला करे ऐसा ही बना रहे अल्लाह ताला के करम से। इतना अच्छा बॉन्डिंग है कि होता क्या है, कोई अगर बहुत हाई प्रोफाइल पर्सन आपको अगर हायर कर रहा है, तो उस बंदे ने या उस बंदी ने आप में जरूर कुछ गुड्स देखे होंगे। बिल्कुल, जरूर वो चीज देखी होंगी, क्योंकि मेकअप जो पार्ट होता है ना सबसे डिफिकल्ट होता है। उतना अलग बात है, प्रोफेशनल काम देना बहुत अलग बात है। आज अगर सेलिब्रिटी का टैग मुझे भी भगवान की दया से मिला है, तो सेलिब्रिटियां जो होती है ना, आप देखिएगा किसी ऐसे नॉर्मल ब्यूटिशियन को अपने फेस पे हाथ नहीं लगाने देती है। तो मिसेस जोया सिराज शेख तो पहले से ही सेलिब्रिटी हैं जी, इंटरनेशनल का क्राउन तो उनको अभी मिला है, शी इज ऑलरेडी सेलिब्रिटी। तो उन्होंने जो मुझे डे वन से सपोर्ट किया, और उनको पता था कर लेगी मेगा, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ पौन घंटा मिलता था, मेकअप प्लस डू, मेकअप प्लस डू, मेकअप प्लस डू। तो पौन घंटे में एक सेलिब्रिटी को मेकअप देना थोड़ा डिफिकल्ट तो था, पर जोया दीदी ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मेगा दीदी ये क्या कर दिया आपने, ये चीज नहीं हुई। और वो चीज का मुझे जो अंदर था पर टचवुड, वो चीज एक बार भी नहीं घटी। क्या बात है। दोस्तों, इन बिसिन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि आज हमने अपने स्टूडियो में खास तौर पर अलग अलग फील्ड में महारत हासिल करने वाले तीन शख्सियतों को आमंत्रित किया है, जिनमें से एक बीटीपी ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर सिराज शेख सर है, दूसरी मिसेस यूनिवर्स थर्ड रनर अप आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम विनर जोया सिराज शेख, और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मेघा कपूर एमएसआर उपस्थित हैं। जोया जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी कि कारा प्रोडक्शन और कारा फाउंडेशन के माध्यम से आप इतने सारे सोशल एक्टिविटीज जो हैं वो कर रही है, तो ऐसे में आप अपने बच्चों और परिवार को कैसे समय दे पाती हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने मुझसे। मुझे बहुत खुशी होगी इस बारे में बताने के लिए कि मेरे बच्चों को मैं कैसे संभालती हूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरी फैमिली में अगर सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर किसी की है, तो ऑफकोर्स मेरे बच्चे हैं, मेरे पति है, तो इनको तो ध्यान देना मेरा फर्स्ट फर्ज है मेरा। तो मेरे यहाँ पे जो मेरे सपोर्टर्स है सबसे इम्पोर्टेंट, तो मेरी सिस्टर, मेरी माँ, मेरी मासी, ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर मैं इस लेवल पे अगर आज हूँ, तो शायद उनके पीछे भी इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर ये मेरे बच्चों को नहीं संभालते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होती। बिकॉज बल्गेरिया में जाना, यूनिवर्स में जाना,
7 दिन का 10 दिन का टूर था, तो अपने बच्चों को छोड़कर जाना है, तो ऑफकोर्स मेरी बहनों ने, मेरी मासी ने, मेरी माँ ने, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हमारे घर में रहने वाली बाजी, मेरे ड्राइवर, शायद ये है इसलिए हम ये कुछ कर पाते हैं, अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती, तो इन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और ऑफकोर्स मैं और मेरे पति, हम दोनों मिलकर ही हम अपने बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी हमारे बच्चे हैं, तो पहले उनका होना चाहिए, वो हैप्पी रहना चाहिए, अगर वो हैप्पी है तो हम ऑफकोर्स हम जो चाहते वो कर सकते हैं। तो बहुत खुशी होती है मुझे कि मेरे बच्चे, मेरी बहनों के और मेरी मासी, माँ और मेरे परिवार इन लोगों के साथ में रहते हैं, और उनको उनकी कंपनी भी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत अच्छे से रखती हूँ। मैंने कभी उन लोगों में ये भेदभाव नहीं किया या कभी ये नहीं किया कि ये तो हमारे मतलब घर में काम करने वाले लोग हैं या हमारे ड्राइवर है। मैंने इन लोगों के साथ में कभी ऐसा बिहेवियर नहीं किया कि मुझे कभी डर रहे कि मेरे बच्चों के साथ में कभी कुछ गलत हो सकता है, कभी नहीं। तो ये लोग मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, शुक्रगुजार हूँ उनकी कि वो लोग मेरे साथ में हमेशा से जुड़े हैं, वो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे। सर ये बताइए कि सोफिया बल्गेरिया में जो इतना बड़े लेवल का एक इवेंट था, तो वहां पर और भी पार्टिसिपेंट्स के हस्बैंड आए थे या फिर आप अकेले थे जो अपनी वाइफ को मोटिवेट करने आए थे? नहीं, करीब 103 लोग आए थे, तो 103 में 70-75 के हस्बैंड लोग तो आए जी, किसी के बच्चे लोग भी आए थे, किसी के परिवार के और कुछ मेंबर भी आए थे, ऐसे सभी लोग थे वहां जी। सर क्या फर्क लगा आपको फॉरेन कंट्रीज के लोगों में और अपने में? जैसे हमने सुना है कि वहां के लोग जो हैं वो ग्रुप प्रिज्म में बिलीव नहीं करते हैं और इंडियन लोगों में ये चीजें थोड़ी बहुत देखी जाती है, तो क्या एक ऐसी चीज आपको, आपने नोटिस किया जो हम इंडियंस से को सीखना चाहिए उन लोगों से? नहीं, वहां पे तो मैंने लास्ट एक चीज बहुत अच्छे से देखा हो जी, क्या फॉरेनर काफी लोग हारे हुए हैं, हारने के बाद भी हंस हंस के मिल के गए, क्या बात है। पर ये थोड़ा सा इंडियन में हमारी कमी दिखी है, इंडियन बांग्लादेशी या आजू बाजू के लोगों में, एशियन कंट्री में कमी दिखी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हार जीत तो एक अलग पार्ट है, वो लोग रिलेशन मेंटेन करने में बहुत महत्व रखते हैं, क्या बात है, जो कि जोया ने भी जो की है, रिलेशन मेंटेन अच्छा करी है, उसको जो रिजल्ट उसी वजह से भी मिला है। मेघा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन्हें जो आर्टिस्टिक नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला था, तो क्या इस टाइप के स्पेसिफिक जब कॉस्ट्यूम हमें दिए जाते हैं इंडियंस लोगों को, तो उसके लिए कोई स्पेशल मेकअप होता है? जिनको कॉस्ट्यूम दिया गया था उसका सिंबल था हॉर्स जीरा, और ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो माइथोलॉजी मेकअप करते हैं जी, माइथोलॉजी आ जाता है पौराणिक, और घोड़ा जो है, हॉर्स जो है, ये हमारे राजा महाराजाओं की निशानियां हैं। तो इन्होंने जो वो जब इनको वो पहनाया गया था, हमने इनको पहनाया, उनको जो माइथोलॉजी मैंने मेकअप दिया, सही में ऐसे मुझे महसूस हो रहा था कि आज ये घोड़ा दौड़ेगा, ऐसे वाइब्रेशन आ रही थी, क्योंकि वो जो हॉर्स पहनना था वो इतना आसान नहीं था, उसका वेट करीबन 20 किलो से ज्यादा होगा पर कम नहीं था। उनके जब उनको हेड पहनाया गया, सिर पहनाया गया, उनको बैक उनका सपोर्ट आर्टिकेशन किया गया, मैं तो यही बोल रही थी अंदर अंदर भगवान को, भगवान आज ये जो चल रही है इनको पहन के बस इनका साथ देना, क्योंकि माइथोलॉजी में ये जो चीजें पहनना होता है, ड्रेसेस वेयर करना होता है, ये मैंने बहुत फेस किया, वो इतना आसान नहीं होता है, और ये चीज वेयर करने के लिए जो बंदी को हम या किसी को ये चीज कपड़े पे पहना रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, और उनमें वो पेशेंस थे। इन्होंने आखिर तक ये बोला नहीं कि मैं थक गई हूँ, मेगा ये डटी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था इनका बॉडी में वो हॉर्स का पावर है। उसमें भी एक खास बात ये बताऊंगा आपको कि उस समय खाना नहीं मिलता था, खाने के लिए भी किसी वहाँ के जो फॉरेन का खाना मिलता था पर खा नहीं पाते थे, तो हम लोग इंडियन खाना एक बार नसीब हुआ नहीं तो ला के बांध दिए, तो उनको खाने में जगह नहीं, तो लास्ट के जो दो इवेंट थे तो शायद मेरे सबसे जो है दोनों दिन भूखी थी, लास्ट इवेंट में बस जूस पानी जो मिल रहा था वही पिए, वहाँ खाना भी अलाउड नहीं था, वेट होने के बाद ही जो खाना खाया, मतलब इतनी टफ सिचुएशन रहने के बावजूद जो एक पेशेंस था, एक स्टेमिना था, एक स्ट्रांगनेस थी, वो उन्होंने अंत तक बरकरार रखी, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। दोस्तों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेघा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब मिसेज यूनिवर्स थर्ड रनर अप का नाम घोषित हुआ तो मैं आपको बताऊं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार अवार्ड जीतने वाली एक पहली भारतीय महिला मिसेज जोया सराज शेख बन गई, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? व्हाट इज द रिएक्शन? थोड़ी देर के लिए तो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई जी, और मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया, पर मुझे ये चीज को एक्सेप्ट करने में काफी देर लगा क्योंकि मैं बहुत बड़े सदमे में थी जी। जब मैंने सुना कि शी इज थर्ड रनर अप तो मैंने कहा वाह यार, मैंने तो भगवान से एक अवार्ड मांगा था, उन्होंने तो इनको चार चार अवार्ड से नवाजा, तो वो मेरे लिए जो मोमेंट था वो बहुत यादगार रहा, बहुत अच्छा लगा। मेघा जी, आप अब जो है वो मिसेज यूनिवर्स की सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बन गई है, लोग अब आपको सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट के नाम से नहीं बल्कि मिसेज यूनिवर्स का खिताब जिताने वाली मेकअप आर्टिस्ट के नाम से जान रहे हैं, तो कैसा फील कर रही हैं आप? ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे पंख लग जाए, थोड़ा सा मैं उड़ के बाहर से आ जाऊं। क्या बात है, क्या बात है। मिसेज यूनिवर्स की मेकअप आर्टिस्ट, ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है और मुझे लगता है इससे बड़ा कोई सम्मान हो ही नहीं सकता जी। क्योंकि ये जो सीमा है इसने हर सीमाओं को तोड़ के लास्ट में जो आता है वो आता है मिसेज यूनिवर्स, यानी कितनी भी सेलिब्रिटियां आप लाइन में स्टेप बाय स्टेप उनको खड़ा कर दो, पर लास्ट जो होता है यूनिवर्स। तो इन्होंने जो मिसेज यूनिवर्स का खिताब हासिल किया है, अब मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई अवार्ड। क्या बात है मेघा जी, आपको हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत ढेर सारी बेस्ट विशेस। जोया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नेक्स्ट प्लानिंग आपकी क्या है? अभी आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है तो आने वाले दिनों में और क्या प्लानिंग है? जी, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आपने अभी मुझे कुछ देर पहले पूछा था कि कारा प्रोडक्शन और कारा फाउंडेशन, तो मैं कारा प्रोडक्शन और कारा फाउंडेशन की डायरेक्टर हूँ। प्रोडक्शन हाउस में हम लोगों का अभी प्लानिंग है, मैं और मेरे हस्बैंड का, कि हम लोगों को एल्बम सॉन्ग्स बनाने हैं, तो बस अभी उसका हम लोगों का प्रोसेस चल रहा है एल्बम सॉन्ग्स के लिए। और सेकेंड है मेरा फाउंडेशन, तो मैंने आपको इसके पहले भी मेरा जब एक आर्टिकल आया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे फाउंडेशन मतलब सोशल समाज कार्य में मुझे बचपन से ही बहुत शौक है, तो मैं चाहती हूँ मैं अब मेरा फाउंडेशन मिसेज यूनिवर्स के थ्रू मेरे फाउंडेशन को मैं और आगे तक लेकर जाऊँ। बस मेरी यही प्लानिंग्स है कि मैं गरीबों की जितनी हो सके उतनी मैं अपने तरफ से मैं मदद कर सकूँ, ऊपर वाला मुझे इस काबिल बना दे। वाओ, टच वुड। सरासर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा जो हमारे दर्शकों की डिमांड पे मैं पूछ रही हूँ। एक्चुअली सर, एक आम व्यक्ति से खास व्यक्ति तक बनने का सफर वैसे तो काफी मुश्किल था, लेकिन ऐसे समय में भी आपको जोया शेख के रूप में एक ऐसी पार्टनर मिली है जिसने आपको समय समय पर मोटिवेट किया है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने ये सफर कैसे तय किया, चंद शब्दों में अब हमारे दर्शकों को। मेरे सफर की स्टोरी तो काफी लंबी है जी, बताने बैठूं तो दो घंटा लग जाएगा जी। बस मैं उम्र के 13 साल से बिजनेस लाइन में हूँ और हर बार जब भी मैं पहले तो इंटरव्यू जितना भी स्टॉक के मैं खुद ही लेता था और मैं उनके टैलेंट ढूंढ के रखता था जी। लोग उसका बायोडाटा ढूंढते थे, कितना पढ़ा है, ये पढ़ा है, लेकिन मैं उसके चेहरे से मार्क करके रखता था। आज भी मेरे पास जो मेरे बीचेन बीटीपी और भी ग्रुप है उसमें कई स्टॉक ऐसा जो कम पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे आज भी मेरे साथ 30-30 साल से है जी। अच्छी बात लगी, हम लोग संडे के रात को लेट सोए और ये एवरी मंडे रोजा रखती है, इतने 2 साल हो गए, 2 साल से हर मंडे का रोजा रहता है इसका, तो संडे रात को और मंडे का इवेंट था मॉर्निंग साथ देते हैं, इसका अलार्म बजा, ये बोले रोजा है मंडे, मुझे रोजा रखना है, मतलब पागल भगत विदेश में आए, नहीं भी रखी चलता, कोई गुनी में नहीं जाएंगे तो सो जा, सुबह देखो बहुत इवेंट है, तो इनको बहुत समझता बोले ये मेरा अल्लाह मेरे साथ में, मेरा अल्लाह मुझे देख लेगा, मेरे को रोजा रखने दो, रोजा रखी और दिन भर इवेंट रखी। क्या बात है। वो इवेंट का डे वन का पहला परीक्षा दिवाला दिन था, उसके बाद तो 7 दिन भूखी रही, खाने को टाइम नहीं मिलता था, बिल्कुल जो 7 बजे इवेंट के लिए जाती थी रात को 10 बजे आ जाती थी, हम लोग दूर से देखते थे, चाके भी हम खाना नहीं देता था, तो वो शायद उसको अल्लाह ने बहुत साथ दिया इसलिए उसको इतनी ताकत, इतना स्ट्रॉन्ग जो 7 दिन खड़े किए, मतलब बहुत मेहरबानी। क्या बात है, मतलब ये बहुत सारी क्वालिटी है जो आपको अपनी वाइफ में दिखती है और आप
उनको जो है वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जब आपका एक बॉस जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज की हुनर को पहचानने का जो है वो नजराना रखता है और साथ ही साथ अपने परिवार में अपनी वाइफ के भी टैलेंट को उन्होंने उभारने की कोशिश की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जोया मैम, अगला सवाल और आखिरी सवाल मेरा आपसे ये होगा कि विदेशी धरती पर गाया आपका गाना वंदे मातरम, जो कि आपने अपने ओन शब्दों में कहा था, वो काफी पसंद किया जा रहा है लोगों को, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को चंद लाइनें सुनाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शशि श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमिता सुमधुर शोभनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है जोया मैम, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, इन बिसन की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि सोफिया बुल्गारिया से मिसेज यूनिवर्स थर्ड रनर अप विजेता आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में थी। इसके अलावा मोस्ट आर्टिस्टिक नेशनल अवार्ड से सम्मानित जोया सिराज शेख हमारे स्टूडियो में हमने इन्हें खास तौर पर आमंत्रित किया था। साथ ही बीटीपी BCN ग्रुप और नागपुर मेट्रो समाचार के चेयरमैन मिस्टर सिराज शेख सर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थे। इसके अलावा हमारे साथ आज इंटरनेशनल मेकअप सेलिब्रिटी आर्टिस्ट मेघा कपूर MSL उपस्थित थी। आप तीनों का एक बार मैं फिर हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, NBC की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।